सब्जी में टेस्ट कड़वे तिल से ही आएगा। इसको करेंगे गरम, ऑयल गरम हो गया है और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, जीरा एक चुटकी, टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून से कम, इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, हल्दी को भूनेंगे, इस तरीके से हल्दी को भून लिया है। और इसमें डालेंगे आलू जो बॉइल किए हुए हैं, जो थोड़े थे चलाएंगे, आलू को भून लेंगे पहले, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून से कम, 1 टीस्पून धनिया पाउडर आधा टीस्पून से कम गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ बेसन 2 टीस्पून, अच्छे से चलाएंगे, आलू को चलाते रहेंगे और इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। सो गाइस इस तरीके से चलाएंगे और बेसन को पहले ही उसमें भून लेंगे ताकि बेसन की गुठली ना हो पाए। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बेसन की गुठली भी नहीं हुई है और ये परफेक्ट सब्जी बन रही है। तो ये खस्ते से खाने के लिए चटपटी मसालेदार रेसिपी अभी तैयार नहीं हुई है। खटाई के लिए मैंने लिए गाइस अमिया, अमिया इसमें डाल देंगे, इसको चलाएंगे, सीटी को चलाएंगे, इस तरीके से चलाने के बाद इसको ढक देंगे और इसमें खोल आने का इंतजार करेंगे। मिलते हैं खोल आने के बाद। सो गाइस मैं बना रही हूँ खस्ते के साथ खाने के लिए चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने लिया है ग्राइंडर और ग्राइंडर में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई धनिया, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और चटपटी चटनी बना लेंगे खस्ते के साथ खाने के लिए। सो गाइस चटनी चटपटी बनके तैयार हो गई है और इसमें मिर्च के मैंने केवल 2 मिनट हरी मिर्च डाली है। और इस तरीके से खस्ते से खाने के लिए इस तरीके से चटनी आप बना सकते हैं। चटनी से और ज़्यादा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है खस्ते के साथ। तो गाइस चलते हैं गैस की तरफ, अब चलते हैं सब्जी देखने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटे हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। तो गाइस सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने हरा धनिया हरी मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च की क्वांटिटी कम डाली है। आप चाहें तो इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, तो उसमें कलर बहुत ही ज़्यादा खिलके आता है। तो सब्जी को सर्व कर लेते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप खस्ते वाली सब्जी बना सकते हैं और सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है खस्ते के साथ खाने में। आपको सब्जी की रेसिपी कैसी लगी गाइस, आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।